नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रोनाउन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और प्रोनाउन के दो पार्ट्स पिछली दो वीडियोस में हमने उनके टाइप्स और रूल्स के जरिए कवर कर लिए। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारे फिलर्स और स्पॉटिंग एरर के होंगे, जिसमें हम पिछले रूल्स जो कि पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए हम कितने तरीके से कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं सही तरीके से फिलर्स में यूज़ करेंगे और किस तरीके से स्पॉटिंग एरर्स में उसके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने रूल से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछले दो पार्ट को देख लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस मैंने फिलर्स के लिए हुए हैं और चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग द बुक डैश यू गेव मी। चार ऑप्शन है, वॉट, दैट, विच और दोज। बात करें अगर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से, तो हम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शंस में बेसिकली जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, ऑब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ दैट या फिर विच, इन्हीं दो प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली में बुक के लिए हम या तो दैट या फिर विच में से किसी एक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की तो विच होगा, दैट का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। आंसर जो होगा हमारा विच होगा, आई एम रीडिंग द बुक विच यू गेव मी, क्योंकि यहाँ पे बुक जो है एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस है, वन शुड रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स। तो रूल्स में हमने बात की थी कि जब सब्जेक्ट हमारा वन होगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक सेंटेंसेस ही इससे बनाए जाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वन होता है वहाँ पे प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ वंस का ही यूज़ किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पीपल डैश कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय आवर हाउस। चार ऑप्शंस इसमें भी मिलते हैं, हुज, दैट, हु और विच। तो सबसे पहले इसमें विच और दैट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बचे हुए ऑप्शन है हमारे हुज और हु। बात करें अगर यहाँ पे वर्ड पीपल के लिए, तो जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स की बात होगी, जैसे यहाँ पे पीपल आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास तीन ही ऑप्शन बचते हैं जो हो सकते हैं, हु, हुज या फिर हुम। ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी लिविंग थिंग्स के लिए हमें प्रोनाउन के यूज़ करने की बात होगी तो कुछ इस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। हालांकि दैट का भी यूज़ किया जाता है बट स्पेसिफिक कंडीशन में। पहले बात करें अगर हु की, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस बनता है। दूसरा हु का ही पोजेसिव केस हुज हो जाता है, और हुम ये भी हमारे सब्जेक्टिव केस के हिसाब से यूज़ किया जाता है बट डिफरेंट कंडीशंस में। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो द पीपल हु कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय आवर हाउस एक्चुअली में परफेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राजेश इज द मैन डैश सन वन द प्राइज। राजेश इज द मैन हु सन या फिर हुम सन या फिर दैट सन। तो यहाँ पे देखें अगर राजेश इज द मैन हु सन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हुज एक्चुअली में हु के लिए पोजेसिव केस की बात करेगा और पोजेसिव केस के लिए हम हु का ही पोजेसिव केस मतलब हुज का यूज़ करेंगे। सेंटेंस जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा, राजेश इज द मैन हु सन वन द प्राइज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। मैंने उसे वो सारे पैसे दे दिए जो मेरे पास थे। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन के हिसाब से, तो सबसे पहले दीज और वॉट को काट दीजिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी विच और दैट में, क्योंकि दोनों के दोनों ही एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें इनके यूज़ की, तो दैट जो है एक्चुअली में किसी भी सब्जेक्ट या फिर नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए लगता है। ये इसकी कंडीशन ही यही होती है कि जो दैट को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें सब्जेक्ट को और स्पेसिफाई करना होता है। विच का यूज़ किया जाता है किसी जानकारी को एक्स्ट्रा बताने के लिए, थोड़ी डिटेल और एक्स्ट्रा देने के लिए। इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा एक्चुअली में वो विच हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है, थोड़ी सी और डिटेल दे रहा है। यहाँ पे दैट भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर जो बनेगा हमारा वो होगा, आई गेव हिम ऑल द मनी विच आई हैड। नेक्स्ट है, ही इज़ द सेम मैन डैश हैज स्टोलन माई वॉलेट, कि ये वही आदमी है जिसने मेरा वॉलेट चुराया है। तो जिसने मेरा वॉलेट चुराया है, ठीक है, सबसे पहले हमारा हु ऑप्शन कट जाएगा और दूसरा दोज भी कट जाएगा। कन्फ्यूजन हो जाएगी हमारे विच और दैट में। तो ध्यान में रखिएगा, रूल्स में हमने बात की थी जब भी वर्ड स्पेसिफिक कंडीशन में जहाँ पर भी द सेम करके किसी भी नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ दैट प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ, द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स डैश। क्वेश्चन है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। यहाँ नाउन पर ध्यान दीजिएगा कि नाउन यूज़ किया गया है द स्टूडेंट्स, जो एक्चुअली में एक प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया हुआ नाउन है या सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, हम इटसेल्फ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा हमारा। दूसरा बचता है हिमसेल्फ, जो कि ही के लिए यूज़ किया जाने वाला है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर बचता है ऑप्शन आवरसेल्फ और देमसेल्फ्स। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर हमारा सी, मतलब देमसेल्फ्स सही आंसर हो जाएगा, आर सेल्स भी इसमें सही नहीं होगा। द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स देमसेल्फ सही होगा। आर सेल्फ का यूज़ सिर्फ वी प्रोनाउन के लिए किया जाने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्म है।
नेक्स्ट है हमारा द बुक इज माइन एंड दैट इज डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइन को यूज किया गया है जो एक्चुअली में पोजेसिव प्रोनाउन का केस है। ऑप्शन है हमारे योर, योर्स बुक, योर्स और सिर्फ यू। बात करें अगर ऑप्शंस की तो सबसे पहले यू और योर बिल्कुल नहीं हो सकता है, इन दो ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूजन मिलेगी, जहाँ पर योर्स बुक या फिर योर्स। ध्यान रखिएगा जब हम पोजेसिव प्रोनाउन का केस यूज करते हैं तो उसके बाद हमें नाउन किसी भी वर्ड में और एक्स्ट्रा नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल योर्स बोलने के बाद योर्स बुक बोलने की आवश्यकता नहीं होती, या सिर्फ आप योर्स बोलिए या फिर योर बुक बोलिए, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ये भी सही हो सकता था अगर सिर्फ और सिर्फ योर बुक होता, लेकिन सिर्फ योर्स बोलने के बाद, योर्स बोलने के बाद हमें किसी भी नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पर एक्चुअली में योर्स अपने आप में वो वर्ड बुक को कंटेन करता है, रिटेन करता है, जहाँ पर इसमें सही आंसर हमारा निकल कर आता है योर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर्स वर टेकिंग डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली। ऑप्शन है हिज, देयर, देयर सेल्व्स और आर। तो यहाँ पे पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट जाएंगे, जहाँ पे आर और देयर सेल्फ जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। बात करेंगे अगर हिज और देयर की तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनके यूज होने वाले नाउन्स पे जो एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स और द मैनेजर, और इसीलिए हमारा जो प्रोनाउन के हिसाब से सही फॉर्म होगा वो हो जाएगा देयर। वहीं पे अगर स्टाफ मेंबर या फिर सिर्फ द मैनेजर कह रहा होता तो हम वहाँ पर हिज लगा देते। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन डैश आई एवर मेट, कि मिस्टर शर्मा वो सबसे ज्यादा मेहनती इंसान है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रूल्स के हिसाब से अगर कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर फिर हमें प्रोनाउन के लिए दैट का यूज़ करना होता है। इसमें हालांकि कन्फ्यूज़न हो सकती है हु के लिए या फिर होम के लिए, बट फिर भी क्योंकि रूल के हिसाब से हम देखें यहाँ पे मोस्ट जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, इसलिए हमें आंसर दैट का यूज़ करना होगा। मिस्टर शर्मा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव मेट। फिलर्स के क्वेश्चंस के बाद हम देखते हैं प्रोनाउन से जुड़े हुए स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हमने अगला क्वेश्चन लिया है इंडिया बिगेन हिज न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट 50s। यहाँ पर इंडिया बिगेन जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो इंडिया है, और उसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हिज प्रोनाउन का यूज़ किया गया। हिज प्रोनाउन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए किया जाएगा जहाँ पर वो प्रॉपर प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे किसी सब्जेक्ट का नाम आता हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक्चुअली में क्योंकि ये पर्सनिफाइड नहीं किया जा सकता जेंडर वाइज, इसीलिए हम यहाँ पर हिज का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये वाले पार्ट में हमारे गड़बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पर इसकी जगह पर इट्स यूज़ किया जाना सही होता, इंडिया बिगेन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट 50s। नेक्स्ट है हमारा मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। यहाँ पर भी अगर हम देखें पहले पार्ट में तो मैनी पेरेंट्स, फिर उसके बाद अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैनी पेरेंट्स एक्चुअली में प्लूरल है, और प्लूरल के साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है वो अभी भी सिंगुलर प्रोनाउन के लिए ही यूज किया जाने वाला टाइप है, और प्लूरल के हिसाब से एक्चुअली में इस वाले पार्ट में गड़बड़ी मिल जाएगी हमें। यहाँ पर एक्चुअली में देयर का यूज करना सही होता, मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल सही हो जाता। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू बॉयज सेड देयर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड, या फिर नो एरर। पहला पार्ट है नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो फॉर्म के हिसाब से अगर चलें तो नीदर ऑफ द के बाद हमारा एक प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सेट देयर प्रेयर्स में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा देयर का, बिफोर गोइंग टू बेड में कोई गड़बड़ नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा यहाँ पे नीदर ऑफ द टू बॉयज में, ये एक्चुअली में सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें प्रोनाउन जो यूज़ करनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में हिज का यूज करना सही होता, इस वाले पार्ट में हमारी गड़बड़ी हो जाएगी, देयर की जगह पे यहाँ पे हिज लगाना चाहिए था। नीदर ऑफ द टू बॉयज एक्चुअली में सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। नेक्स्ट है द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे तो द कमिटी इसमें कोई एरर नहीं है, वर डिवाइडेड में देखें तो अगर कमिटी जो वर्ड है हमारा वो एक्चुअली में प्लूरल काउंट किया जाता है, इसलिए वर को लगाना सही है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रोनाउन जो यूज़ किया गया उसमें हमें गड़बड़ी देखने मिलेगी, क्योंकि कमिटी वर्ड एक्चुअली में प्लूरल होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इट्स प्रोनाउन का नहीं बल्कि इसके प्लूरल फॉर्म देयर का यूज़ करना चाहिए था। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एक्चुअली में सही होता हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम। क्वेश्चन है बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पे रूल जो हमारा अप्लाई होगा वो होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, जहाँ पर वन अनदर और ईच अदर का यूज़ हमने सीखा था। वन अनदर का यूज़ हमने देखा था जहाँ पर सब्जेक्ट दो से ज़्यादा का मीनिंग रखता हो, और जब दो लोगों के बीच की बात हो उसी तरीके पे या उस समय हमें एक्चुअली में ईच अदर का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें अगर तो बोथ द गर्ल्स कहा जा रहा है, जहाँ पर सेंटेंस में साफ साफ कहा जा रहा है कि दो गर्ल्स की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर एकदम गलत हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर हमें
ईच अदर का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरीके से, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कॉपरेट विथ वन अनदर इन दिस मैटर। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ दो ही सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर भी वन अनदर का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर ईच अदर का यूज किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर्स। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू टाइप, फिर है हिज ओन रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली में प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है, और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक्चुअली में जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है वो है सिंगुलर हिज, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी होगी। यहाँ पर एक्चुअली में हमें देयर का यूज करना होगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर्स। नेक्स्ट है, दोज थ्री ब्रदर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर When needed या फिर no error। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दो थ्री ब्रदर्स की बात की जा रही है, दो से ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, और सेंटेंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है ईच अदर, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ईच अदर की जगह एक्चुअली में वन अनदर का यूज़ किया जाना चाहिए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन देयर क्लास। यहाँ पे पहले पार्ट है नीदर द स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है नॉर द टीचर, थर्ड है वॉज इन देयर और फिर क्लास। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, यहाँ पे नीदर और नॉर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो टीचर है एक्चुअली में नीदर और नॉर के केसेस में हम पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टीचर जो एक्चुअली में सिंगुलर यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाजू में आप देखेंगे तो प्रोनाउन देयर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक्चुअली में प्लूरल केस में यूज़ किया जाता है, और टीचर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर एक्चुअली में हिज प्रोनाउन का यूज़ करना सही रहेगा। जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा वो होगा, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन हिज क्लास। यहाँ पे गड़बड़ी होगी हमारे थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट है द पार्टी चीफ, सेकेंड है एंड द चीफ मिनिस्टर, थर्ड है एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन, फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेंटेंस जो है वो द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, सो बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो पिछले वाले से बिल्कुल उल्टा यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है, जो कि ही के लिए या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज़ किया जाना चाहिए था। गड़बड़ जो होगी हमारी इसमें पार्ट थ्री में हो जाएगी, एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़ सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो एक्चुअली में नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है एक्सीडेंट की, और हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में सीखा है कि 2-3-1 और 1-2-3। जब भी हमारा पॉजिटिव या सकारात्मक अर्थ वाला सेंटेंस बनता है, या एक सामान्य सा भी सेंटेंस बनता है, तो वहाँ पर हमें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना होता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस में किसी तरीके से नकारात्मक बात की जा रही हो या दोषपूर्ण कोई बात की जा रही हो, जैसे कि यहाँ पे एक्सीडेंट के लिए किया जा रहा है, तो हमें प्रोनाउन का जो ऑर्डर है वो 1-2-3 लेना होता है। तो सही तरीके से अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ गड़बड़ी मिलती है, और अगर इसको रेक्टिफाई करेंगे हम तो वो एक्चुअली में आई, यू एंड ही सही ऑर्डर होना चाहिए था। आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। उसका बड़ा भाई तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसी बात कही जा रही है। फर्स्ट पार्ट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, हिज एल्डर, सेकेंड पार्ट ब्रदर इज में भी कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी। मोर इंटेलिजेंट देन, यहाँ पे कंपैरिजन भी देन के साथ किया जा रहा है, बात आती है यहाँ पर इस वर्ड पे, ध्यान दीजिएगा देन हिम पे। रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर एक्चुअली में कंपैरिजन सब्जेक्ट्स के बीच में होता है, वहाँ पर हमें प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना होता है, और हिम जो है एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव केस बनाता है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट हिज ब्रदर या हिज एल्डर ब्रदर से तुलना की जा रही है, इसलिए एक्चुअली में हिम का सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना चाहिए था। सेंटेंस जो रेक्टिफाई होता वो होता हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही, क्योंकि हिज एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। काफ़ी लेंथी सेंटेंस है। पहला पार्ट है इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो पहले पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे जहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज मी, रूल्स में हमने देखा था जब सेंटेंस की शुरुआत इट वॉज या फिर इट इज से हो, तो उसके बाद हमेशा हमें सब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया गया है,
तो इस पार्ट में हमें गड़बड़ी मिल जाती है। इसको अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें इट वॉज आई का यूज करना चाहिए था, जो कि सब्जेक्टिव केस होता है मी का। तो यहाँ पे पहले पार्ट में गड़बड़ी हो जाएगी और सेंटेंस जो रेक्टिफाई होगा वो हो जाएगा इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी अ वॉरियर हैज मेट देयर डेथ इन द बैटल फील्ड। मैनी आ, यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक रूल्स में पढ़े थे जब सेंटेंस की शुरुआत होती है मैनी आ से, तो इसके बाद हमेशा हमें सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करना होता है। और रूल के हिसाब से अगर ये सेंटेंस पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है इस तरीके की शुरुआत में, तो बाकी सारी चीज़ें भी हमें उस हिसाब से सिंगुलर ही रखनी होंगी। तो जैसे यहाँ पे एक्चुअली प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है देयर, ये गलत हो जाएगा। देयर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, हमें इसका सिंगुलर फॉर्म जैसे कि हिज का यूज़ करना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली में जो गड़बड़ होगी हमारे पार्ट थ्री में हो जाएगी और सेंटेंस जो रेक्टिफाई होगा वो हो जाएगा मैनी अ वॉरियर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट है आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड ही एरर है। सेंटेंस का मीनिंग एकदम सामान्य है, जहाँ पे अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें अगर, तो आई यू एंड ही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ किया गया है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज़ हम नकारात्मक या दोषपूर्ण सेंटेंसेस के लिए करते हैं और सामान्य से सेंटेंसेस के लिए हम 2-3-1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें गड़बड़ मिलती है। यहाँ पे सेंटेंस जो रेक्टिफाई होगा वो होगा यू ही एंड आई। सामान्य से अर्थ वाले सेंटेंस में हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को 2-3-1 के हिसाब से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें गड़बड़ी मिल जाती है। नेक्स्ट है द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। द पर्सन हु आई मेट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ है हु आई मेट, हालांकि यहाँ पे पार्ट ए को यहाँ से सेपरेट कर दिया गया है, द पर्सन लिखा हुआ है। द पर्सन हु आई मेट एक्चुअली में यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है हु वो गलत हो जाएगा। द पर्सन हुम आई मेट, जिसे मैं मिला, सही अर्थ देता है। पहले ही पार्ट में हमारी गड़बड़ हो जाएगी। द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे सही हो जाएगा। यहाँ पे हु का ही दूसरा फॉर्म हुम को यूज़ किया जाना चाहिए था। हु का मतलब हो जाएगा जो और हुम जिसे, तो यहाँ पे जिसे का अर्थ निकलता है जिसे मैं कल मिला था। नेक्स्ट है वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वन ऑफ देम से, तो ध्यान रखिएगा भाई वन ऑफ देम ये सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉर्म करता है। फॉरगॉट लगा हुआ है, फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट, तो यहाँ पे फिर प्रोनाउन में गड़बड़ी मिलती है, हमें देयर पासपोर्ट बोल रहा है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, तो फिर वही गड़बड़ हो गई कि देयर जो एक्चुअली में प्लूरल प्रोनाउन का रूप है, इसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज़ करना चाहिए था। तो हमारी जो गड़बड़ी हो जाएगी वो पार्ट सेकेंड वाले पार्ट में हो जाएगी, जहाँ पे देयर पासपोर्ट का यूज़ कर रहा है, और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एक्चुअली में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोनाउन के MCQs और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। प्रोनाउन के पहले दो पार्ट्स में हमने टाइप्स और इसके रूल्स को कवर किया हुआ था। तो हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।